नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो पर बताने जा रहा हूं, 56 साल की औरत भी आपके प्यार में मदहोश हो जाएगी। आज मैं एक ऐसी किसी भी औरत को, किसी भी शादीशुदा औरत को, किसी भी स्त्री को अपने मोहब्बत में आप कैसे तड़पा सकते हैं। आप किसी भी स्त्री को अपने मोहब्बत में मदहोश की रानी कैसे बना सकते हैं, वो आपके प्यार में मदहोश हो जाएगी। आखिर क्या काम करने से, कौन सा ऐसा टोटके को आजमाने से किसी भी स्त्री का आप मोहब्बत को पा सकते हैं, किसी भी स्त्री का दिलो दिमाग को आप जीत सकते हैं। आज मैं एक ऐसी शक्तिशाली स्त्री वशीकरण करने का चमत्कारी टोटके और उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय के जरिए से आप किसी भी मनचाही स्त्री को, किसी भी शादीशुदा स्त्री को आप अपने वशीभूत करके आप उससे मनचाहा काम को करवा सकते हैं। मित्रों, इस काम को अगर आप करते हैं, इस क्रिया को अगर आप कम करते हैं, तो आपको जो है इसे गलत प्रयोग नहीं करना है। हमेशा सच्चे कार्य में आपको इसे लगाना है। यदि आप किसी स्त्री से जीवन भर के लिए मोहब्बत करना चाहते हैं, यदि आप किसी स्त्री को जीवन भर गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, तो आज के वशीकरण आपके लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय मां कामाख्या जरूर लिखे, ताकि माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मित्रों, आज एक छोटी सी उपाय और सरल टोटके मैं बताने जा रहा हूं। ये टोटके बहुत ही कारगर और बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली शक्तिशाली स्त्री वशीकरण टोटके है। इस टोटके को जो है हजारों लोगों के ऊपर में प्रयोग किया हुआ, वो जो टोटका है, जो सिद्ध किया हुआ टोटका है, वो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस क्रिया को किस दिन करना है और किस समय करना है, तो आप इसको मैं पूरी तरह से आपको बता रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे या मेरे वीडियो पर पहली बार आए होंगे, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो मित्रों, वशीकरण के लाखों प्रकार की टोटके हैं और लाखों प्रकार के टोटके को लोग हर रोज, हजारों आदमी जो है उसको जो है यूज इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं, इस टोटके को आपको करना है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन में जब भी आप सोने के लिए जाते हैं, खाना पीना खा करके जब आप बिस्तर पर जाते हैं, उसी समय इस क्रिया को करना है। और इस क्रिया को करते ही देखिएगा कि सुबह होते होते वो स्त्री आपको कॉल करने लगेगी, वो स्त्री आपको से बात करने लगेगी, वो आपका प्यार में तड़पने लगेगी। तो आखिर करना क्या है? आपको करना यह है, आपको एक कली लहसुन लेना है। एक कली लहसुन लीजिएगा, छीला हुआ भी ले सकते हैं, छिलका समेत भी ले सकते हैं। उसको लहसुन को लेकर के आप अपने दाएं हाथ में आपको उस लहसुन को रख लेना है और रख करके आपको मुट्ठी बांध लेना है। और मुट्ठी बांध करके आपको 2 मिनट तक उसमें मुट्ठी बांध कर रखना है। और उस औरत के चेहरा को, उस स्त्री का चेहरा को आपको कल्पना करते रहना है, उस स्त्री का चेहरा को आपको मन मन में दोहराते रहना है 2 मिनट तक। और हक मुट्ठी को जो है आप पूरी तरह से टाइट करके बांध लीजिएगा, कस करके बांधिएगा, ताकि वो धीरे धीरे क्या होगा कि मुट्ठी के अंदर में आपको गर्मी आ जाएगी और पसीना भी से जो है वो भींग जाएगी और लहसुन भी गर्म हो जाएगा। उसके बाद में उस लहसुन को आपको तकिए के नीचे रख करके आपको सो जाना है। तकिए के नीचे रख करके सो जाइएगा और उसके रात भर सोने के बाद में सुबह सुबह उठते के साथ में पहले आपको ये काम करना है, वो लहसुन को क्या करना है, फिर से हाथ के मुट्ठी में 2 मिनट तक रख करके उसमें 7 बार फूक मार करके उस लहसुन को ले जाकर के किसी भी चौराहे पर या उस स्त्री का, इस पूर्व उस स्त्री का, उस शादीशुदा स्त्री का अगर घर जानते हैं तो उसकी दरवाजे पर आप रख के आ जाइए, या नहीं तो चौराहे पर रख करके आपको सीधे आपको वापस
घर की ओर आ जाना है, किसी को बिना जानकारी किए हुए, टोका टोकी बिना किए हुए आप इस काम को कर लीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। स्त्री का प्यार और मोहब्बत आपको मिलने लगेगी, स्त्री आपके प्यार में मदहोश हो जाएगी। ये अति प्रभावशाली शक्तिशाली टोटके है, इसे आप जरूर प्रयोग करें। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रा।